इंद्री के भासो शुगर मिल में किसानों का बकाया भुगतान ना होने को लेकर किसानों ने मिल के गेट के सामने मिल मालिक विनोद शर्मा व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार व मिल मालिक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसानों ने सरकार एवं मिल मालिक को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। गन्ना एक्शन कमेटी के अध्यक्ष रामपाल चाहल ने बताया कि भासो शुगर मिल ने अभी भी किसानों का करीब 50 करोड़ रुपए का भुगतान देना है, लेकिन शुगर मिल प्रशासन किसानों का भुगतान देने को राजी नहीं है, जिस कारण किसानों को विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। जो गन्ने पेमेंट के लेकर धरना टिके है मिल गेट के ऊपर, आज इसका चौथा दिन है और अभी तक किसी की भी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। सरकार भी कुंभकर्णी नींद सोरी और मिल मालिक भी। आज किसानों में इतना क्रोध था कि सीएम खट्टर का और मिल मालिक विनोद का दोनों का पतला फूका है मिल गेट पर, और कल सिर का मुंडन कराएगा, क्रियाक्रम पे बैठ जाएंगे। इतना इनका क्रियाक्रम नहीं होता और गन्ने की पेमेंट की एक पैसा ब्याज सहित नहीं मिलता, इतना धरने पे बैठे रहेंगे। नाम मात्र कल इनका जो MD है रविंदर चोपड़ा मिल का, वो आया था, उसने कहा भी कब पैसे देंगे कैसे देंगे, तो उसने एक बात कही कि जैसे जैसे चीनी बिकेगी वैसे वैसे पैसे देंगे, चीनी बेच के ही पैसे दे सका, ऐसे तुम्हारे पे कोई जरिया नहीं है। और मैं कहा आपसे रिक्वेस्ट करूं आप हमारी चीनी जान दो बाहर, लेकिन हमने कहा भाई चीनी दे तो पैसे मिलते, 4 महीने खुला था गेट भी, आप चीनी बेच के हमारे पैसे दे सका दे, पैसे तो आपने वैसे देना पड़ेगा, चीनी आपके पास है फिर इसना बेच के अपने पैसे पूरे कर लियो। और हम इनकी इंतजार कर रहे, नहीं तो बुधवार को इतना बड़ा आंदोलन होगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसान किसी भी हद तक जा सकता है, बड़ा कदम उठाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन होगा किसानों। बता दें शनिवार यानी कि कल किसान मुंडन करवाकर अपना विरोध जताएंगे।